अपने बच्चे को गोद में ले पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका 3 साल का मासूम उसके पास वापस लौट आया है। माँ भी बेहद भावुक है और अब जाकर उनकी जान में जान आई है। मैं, मेरे पास क्या नाम को वो शब्द ही नहीं है जो मैं दिल्ली पुलिस के लिए गया हूँ। शायद क्या नाम, मैंने अपनी लाइफ में इनके बारे में सिर्फ नेगेटिव सुनी है। ये क्या कर सकते हैं आज, मैंने क्या नाम देखा, अगर इनमें जब ये करने पे उतरते हैं तो बहुत क्या नाम कुछ कर सकते हैं। दरअसल इस माँ बाप का इकलौता 3 साल का बच्चा गुरुवार शाम दिल्ली के घिटोरनी इलाके से अचानक लापता हो गया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस फौरन एक्शन में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उसमें देखा कि कोई शख्स बच्चे को लेकर जा रहा है। पीसीआर की एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें पता चला कि एक बच्चे को घिटौरनी से उठाकर किडनैप कर लिया गया है। तुरंत टीम्स मोबिलाइज करी गई और एक इनिशियल जब स्कैन किया गया तो एक सीसीटीवी में एक लड़का उस छोटे बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को पता चला कि इसी परिवार में किराए से रहने वाली एक लड़की ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने फौरन महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इस लड़के से पूछताछ शुरू की। लड़की ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने ही इस साजिश को अंजाम दिया है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक बहुत अच्छा काम को अंजाम दे पाए। हम सक्सेसफुली एक 3 साल के बच्चे को 24 घंटे से कम समय में रेस्क्यू कर पाए हैं। साथ ही साथ इस साजिश में जो 2 लोग शामिल थे दोनों को हम अरेस्ट कर पाए हैं। साजिश का मेन कॉन्स्पिरेटर जो है एक लड़की है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा है और उसका अपना सगा भाई जो कि जुविनाइल है वो उसके साथ इस पूरी साजिश में शामिल रहा है। फिलहाल रिया जो 19 साल की है इसे अपहरण और फिरौती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वारदात में शामिल इसके नाबालिग भाई को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।